अक्सर पाकिस्तानी अपनी क्रिकेट लीग की तुलना आईपीएल से करने लगते हैं। कुछ महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है रमीज राजा, इनको दो दिन पहले बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि आईपीएल की तरह ही पाकिस्तान की क्रिकेट लीग यानी पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग में जब नीलामी शुरू हो जाएगी तो इसके बाद वो देखेंगे कि पीएसएल छोड़कर आईपीएल कौन खेलने जाएगा। सच ये है कि पीएसएल की आईपीएल के सामने कोई हैसियत नहीं है, जैसे ही पाकिस्तान की इंडिया के सामने कोई हैसियत नहीं है, वैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग की हैसियत आईपीएल के सामने नहीं। अगर आप मीडिया राइट्स के हिसाब से देखिए, पाकिस्तान को पता नहीं अपनी बेइज्जती कराने में क्या मजा आता, मुझे समझ में नहीं आता। अरे तुम उधर करते पाकिस्तान सुपर लीग, कौन देख रहा था? जबरदस्ती इंडिया से कंपैरिजन इनको करना। आईपीएल की एक बॉल की कीमत ये आपको बताया कितनी है, 49 लाख रुपए बैठती है, 49 लाख रुपए एक बॉल जो पड़ता है, इतना पैसा कमा रहा है आईपीएल। और ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसके एक बॉल की कीमत कितनी आपको पता है? 1 लाख रुपए। यार तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो और नवाबी ऐसी झाड़ रहे हो कि तुम इंडिया को पीछे कर दोगे, कोई तुम्हारे यहां, सब तुम्हारे यहां खेलने आएंगे, आईपीएल में कोई खेलने नहीं आएगा। भाई पहले अपनी जगह तो देख लो, हैं? स्कूटर पे चल रहे हो और जेट में भागने वाले को कह रहे हो कि देखो अभी कैसे तुमको पीछे करता। अरे पहले स्कूटर में हवा भराओ, पेट्रोल भराओ उधार लेके। आईपीएल के एक मैच से बीसीसीआई की कमाई कितनी? बीसीसीआई आईपीएल एक मैच कमाई कितनी है भाई? 118 करोड़ रुपए की कमाई, 118 करोड़। पीएसएल का पूरा सीजन तो पीसीबी को कितनी कमाई होती है? पीएसएल पूरा सीजन, मतलब पूरा सब मैच खिला लिए भाई ने, कोई नहीं छोड़ा, सब मैच खिला लिए, तब कितनी कमाई हुई? 84 करोड़। यार तुम पूरा दम लगा के तो 84 करोड़ कमा रहे हो, हम एक मैच से 118 करोड़ कमा रहे हैं। फिर वही बात, फिर बेइज्जती करा ली। आईपीएल के एक हफ्ते की व्यूअरशिप होती है 22.9 करोड़ रुपए, 22.9 करोड़ व्यूज। पीएसएल के पूरे सीजन की व्यूअरशिप होती है 14 करोड़। अब बताओ आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी 18 करोड़ 25 लाख रुपए में बिका, पीएसएल में 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा वो दे ही नहीं पाते। 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मतलब करीब 1 करोड़ भारतीय रुपया होता, तो 1 करोड़ से ज्यादा तुम्हारी देने की औकात नहीं है, तुम आईपीएल से कंपेरिजन कर रहे हो। ये रमीज राजा को कोई तमीज राजा बताए, पहले तमीज सीखो कि इंडिया से कैसे बात करनी। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी है बाबर आजम, इनकी पीएसएल की सैलरी और यहां विराट कोहली की आईपीएल की सैलरी की तुलना कर लीजिए। बाबर आजम को कितना मिलता है पीएसएल में? बाबर आजम ये भाई को मिलता है पीएसएल में 1 करोड़ रुपए, 1 CR। विराट कोहली को कितना मिलता है? विराट कोहली आईपीएल एक बार में 15 करोड़, 15 गुना ज्यादा। क्या बहस कर रहे हैं, जबरदस्ती ये सब करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा तुमको बेइज्जत करते। भारतीय खिलाड़ी आईपीएल से जितना कमाते हैं उसके बारे में तो पाकिस्तान वाले सुन लेंगे तो कटोरा लेकर यहीं चले आएंगे। पाकिस्तान को तो जिसके सामने मौका मिले हाथ फैला देता है, ये इंडियन क्रिकेटर्स का सुन लेंगे तो वो और यहां आ जाएंगे कि थोड़ा तुम ही उधार दे। सिर्फ आईपीएल की सैलरी से ही अब तक धोनी ने 165 करोड़ रुपए कमाए, कोहली ने 158 करोड़ रुपए कमाए, रोहित शर्मा ने 162 करोड़ रुपए कमा लिए सिर्फ आईपीएल आईपीएल से, केएल राहुल 65 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, हार्दिक पांड्या 59 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। तो ये खिलाड़ी सावधान रहें, कभी भी जो है वो पाकिस्तान इनसे भी उधार मांग सकता है। अरे भैया वो कहीं भी कटोरा लेकर चला जाता है।